500 सालों की प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजधानी दिल्ली पूरी तरह से राममय हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना परिवार सहित शाम को वासुदेव घाट पहुंचे और वहां पर राम मंदिर के परिमात्मक मॉडल की पूजा रचना की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पूरा देश आज राममय हो गया है। देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, इसी के चलते आज हमने वासुदेव घाट पर प्रतीकात्मक मॉडल में विराजे रामलला की पूजा रचना की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बताया कि इस घाट पर 300 किलो का एक घंटा भी लगाया गया है जो अब रोज सुबह बजाया जाएगा और अब से इस घाट पर रोज शाम को यमुना जी की आरती भी की जाएगी। ये सारा दृश्य सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व ने देखा और आज पूरा भारत पूरा विश्व राममय हो गया है। वसुदेव घाट जो यमुना के किनारे डीडीए बना रहा है, इसे पूरा होने में लगभग 2 महीने और लगेंगे, लेकिन क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना भव्य कार्यक्रम अयोध्या में किया और उन्होंने ये कहा भी था कि पूरे देश में राम की आरती हो, भगवान को पूजें, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने डिसाइड किया कि वसुदेव घाट पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और आज यहाँ पर आपने देखा कि 300 केजी का एक घंटा भी लगाया गया है जो रोज सवेरे बजाया जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर आरती भी हुई है। बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर डेवलप किया जाएगा जिससे कि दिल्ली के लोगों को यहाँ पर वही भव्य स्थान देखने को मिले आरती का जो बनारस में मिलता है। आज इसकी शुरुआत हुई है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यहाँ जिस तरीके से लोग शामिल हुए हैं, हर एक के मन में भगवान राम।